हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज मैं फिर से लेकर आई हूँ आपके लिए एक और नई डिज़ाइन का डोरमेट। तो देखिए, जिसके लिए मैंने ये दो कलर लिए हैं, पिंक और ब्लू। आप अपनी पसंद के कलर ले लें। हम इसे पुरानी साड़ी या चुन्नी से भी बना सकते हैं। तो भी हम आपको नई डिज़ाइन का डोरमेट बनाना बताऊँगी। तो जिसके लिए मैंने 9 नंबर सिलाई ली है, उसमें ये देखिए मैंने 16 फंदे डाले हुए हैं। हम इसे कितना भी बड़ा छोटा कर सकते हैं। तो मैं आपको 16 फंदों में बना कर बता रही हूँ। हम इसमें 24, 30 इस तरह से फंदे ले सकते हैं बड़ा बड़ा बनाने के लिए। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे फंदे डाल के इस तरह से बनाना शुरू करेंगे। तो पहला फंदा उतार लेंगे और यहाँ पे इस तरह से बनाएंगे। तो ये मैं आपको 16 फंदों में ही बनाकर बता रही हूँ। तो प्लीज़, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये डोरमेट कैसा लगा। और देखिए, यहाँ पे लास्ट में हम दो फंदे इस सिलाई में छोड़ देंगे और यहीं से हम सिलाई को पलट लेंगे। और इधर से भी इसी तरह से उल्टा उल्टा बनाएंगे। तो मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से डोरमेट बनाना बताऊंगी। वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपके समझ में आएगा। और देखिए, यहाँ पे हम तो देखिए हम फिर से दूसरी सिलाई पे आ गए हैं। तो पहला फंदा हम यहाँ पे उतार लेंगे। और फिर से हम दो फंदे इसमें छोड़ेंगे। तो इधर से हमें कुछ नहीं करना है, इधर से ही हमें दो दो फंदे इसमें छोड़ने हैं। तो दो फंदे हम फिर से छोड़ देते हैं और यहीं से हम सिलाई को पलट लेंगे। देखिए, ये हमने दोनों तरफ की दो सिलाइयाँ बना ली हैं, यानी कि दोनों तरफ की चार सिलाइयाँ बना ली हैं। अब फिर से हम पहला फंदा उतारेंगे, ऊन को अपनी तरफ कर लेंगे और यहाँ पे हम फिर से दो फंदे ये देखिए फिर से हम दो फंदे छोड़ देंगे और यहीं से हम सिलाई को पलट लेंगे। ये देखिए, तो इसी तरह से फ्रेंड्स हमें यहाँ पे 14 फंदे छोड़ने हैं। ये दो फंदे रह जाएंगे, तो यहाँ तक हम इन फंदों को इसी तरह से छोड़ते हुए इस कली को बना लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने सारे फंदे यहाँ पे इस तरह से छोड़ते हुए ये हमने कली यहाँ पे बना ली है। ये 14 फंदे मैंने यहाँ पर दो दो करते हुए छोड़े हैं, तो ये इस तरह की एक कली बनी है। अब देखिए, यहाँ पर हम पहला फंदा उतारेंगे, ऊन को अपनी तरफ करेंगे और यहाँ पे पूरी सिलाई को हम इस तरह से उल्टा उल्टा बना लेंगे। ये जितने भी हमारे छोड़े हुए फंदे हैं, हमने एक सिलाई में ये हमें इस तरह से बनाए लिए हैं। ये देखिए, अब देखिए फ्रेंड्स, इधर से हम इसमें कलर चेंज करेंगे। तो यहाँ से हम इसमें अपना पिंक कलर लगा लेते हैं। ये हमने इधर से पिंक कलर लगाया है।
ये देखिए ये हमने पिंक कलर लगा लिया। अब देखिए इसी से हम फिर से इसी तरह से बनाना शुरू करेंगे जिस तरीके से हमने ये ब्लू वाली कली बनाई है। तो पहला फंदा उतारेंगे और यहाँ पे फिर से हम लास्ट में दो फंदे छोड़ना शुरू करेंगे। ये देखिए हम लास्ट में दो फंदे इस सिलाई में छोड़ देंगे और यहीं से हम सिलाई को पलट लेंगे। ये देखिए तो ये हमने यहाँ पे दोनों तरफ की दो सिलाई बना ली ब्लू कलर सॉरी पिंक कलर से भी। अब यहाँ पे हम तीसरी सिलाई बना रहे हैं तो तीसरी सिलाई में फिर से हम इसी तरह से दूसरा दो फंदे छोड़ेंगे इधर। तो यानी कि बिल्कुल इसी तरीके से ये हमारी यहाँ पे पिंक कलर की भी कली बनेगी। तो इधर से हमें दो दो फंदे ही छोड़ना है, इधर से हमें कुछ नहीं करना है। इधर से हम फिर से दो फंदे छोड़ देते हैं ये देखिए और यहीं से हम सिलाई को पलट लेंगे और इधर से भी इसी तरह से उल्टा उल्टा बना लेंगे। ये देखिए तो इसी तरह से फ्रेंड्स हम सारे फंदों को यहाँ पे छोड़ते हुए बना लेंगे। ये देखिए यहाँ पर हम दो फंदे हमारे रह जाएंगे, बाकी के सभी फंदे दो दो करते हुए छूट जाएंगे। तो यहाँ पे ये हमारी इस तरह की पिंक कलर की भी कली बन जाएगी। तो चलिए मैं बना लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स ये हमने देखिए पिंक कलर से भी इस तरह से बना लिए हैं दूसरी कली। ये देखिए यहाँ पर हमने ये 14 फंदे छोड़ दिए हैं दो दो करते हुए। अब देखिए हम इस सिलाई में सारे फंदों को एक साथ बना लेंगे। तो ये हमारे छोड़े हुए फंदे हैं तो इन्हें हम एक साथ इसमें बना लेंगे। और इधर से हम फिर से कलर चेंज कर देंगे। ये देखिए यहाँ से हम फिर से कलर चेंज कर देंगे। ये देखिए इधर से ये देखिए ये हमने कलर चेंज कर दिया इस सिलाई पे। अब देखिए फिर से हम इसी तरह से ये वाली कली बनाएंगे इसके बाद फिर पिंक वाली। तो इसी तरह से इसमें ये हमारी पांच कलियां हमें ये बनानी है। तो ये देखिए दो कली हम बना चुके हैं तो ये हमारी तीन कलियां इसमें ये ब्लू कलर की बनेंगी और दो पिंक की। अब पिंकी की बनाई है हमने फिर ब्लू की फिर पिंक की और फिर ब्लू की। इस तरह से हम पाँच कलियाँ इसमें बना लेते हैं। तो चलिए मैं इसे बना कर कम्प्लीट कर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स ये मैंने ये देखिए इस तरह से इसमें पांच कलियां बना ली हैं और देखिए यहाँ पे हमने ये सारे फंदे बंद कर दिए हैं। तो ये हमारी इस तरह की एक कली यहाँ पे बन गई है। हमें इसी तरह की एक कली और बनानी है। तो चलिए फ्रेंड्स मैं बना लेती हूँ इसी तरह की एक कली और। तो देखिए फ्रेंड्स ये मैंने दूसरी कली भी इसमें बना ली है इसी तरह से। तो ये दो कलियाँ हमारी इस तरह से बनकर तैयार हुई हैं। तो इन दोनों का ही हम एक बहुत ही प्यारा सा न्यू डिज़ाइन डोरमेट बनाएंगे। तो इसके लिए अब हमें चाहिए सुई धागा। तो देखिए फ्रेंड्स ये हमने सुई धागा ले लिया। अब देखिए हम इन कलियों को उल्टा करेंगे ये देखिए इस तरह से। यहाँ पे देखिए हम इन्हें बराबर में रखेंगे इस तरह से और यहाँ पे हमें यहाँ से यहाँ तक इसमें सिलाई लगानी है। तो ये देखिए दोनों तरफ से चैन लेते हुए हम अच्छे से इसमें सिलाई लगा लेंगे।
देखिए इसमें हमने सिलाई लगा ली और यहाँ पर नॉट लगाते हुए हम धागे को कट कर लेंगे। ये देखिए इसे हम इस तरह से सीधा कर लेंगे और जो भी धागे हमारे ये बाहर को आते हैं उन्हें हम फिनिश कर देंगे। देखिए इस तरह से हमारा यहाँ पे डोरमैट बनके कंप्लीट हुआ है। ये हमारा फ्लावर वाला डोरमैट है, हम इसमें बीच में इस तरह का कोई भी फ्लावर या कोई भी पॉम्पॉम्स यहाँ पे लगा सकते हैं, जैसा भी आपको अच्छा लगे उस तरह का हम इसमें पॉम्पॉम्स इस तरह का लगा सकते हैं या कोई भी फ्लावर लगा सकते हैं। ये देखिए इस तरह से जो भी आपको अच्छा लगे आप वो यहाँ पे लगा सकते हैं। देखिए इस तरह से यहाँ पे देखिए फ्लावर रखते हुए हम इसमें मोती भी ऊपर लगा सकते हैं जिससे ये और भी सुंदर लगे। तो प्लीज़ अगर आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये डोरमैट कैसा लगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।